जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और टाइम कितना हो रहा है आप लोगों से बताएं? 12:30 बज रहे हैं। और गाइस बताएं, आप लोग कहोगे इसी रूम में हम वीडियो शूट करते हैं बैठ के, तो गाइस क्या बताएं, ऊपर भी टीवी ऑन है, आगे रूम में भी बच्चे टीवी ऑन किए बैठे हुए हैं, इतना शोर शराबा हो रहा है तो कहीं पर शांति नहीं है। और वैसे भी बच्चे भी आप लोगों को पता है कि इस समय घर में ही हैं, तो हमको जगह ढूंढना पड़ता है कि हम किस जगह आप लोगों से बैठ करके बातें करें। और ज़रा सा भी टीवी की आवाज़ आती है तो कॉपीराइट आ जाता है। तो गाइज आज ही हम वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी सुबह से कोई ब्लॉग हमने नहीं बनाया और आज ही आप लोगों तक हमको पहुंचाना भी है। वो तो टाइम आप लोगों को पता ही है कि 3 बज के कभी 10 मिनट कभी 20 मिनट। तो गाइज हम आप लोगों से क्या बताना चाहते हैं, तो आज दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है, तो चलिए बता रहे हैं। और तिथि कौन सी है, तो आज तिथि है बैसाख मास शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्दशी, दिन मंगलवार, आज व्रत पूर्णिमा भी है गाइस, और भी दिनांक 25, तारीख 25 है, 2021 है सन। आज भगवान नरसिंह यो माँ चित्रा मस्तक जयंत्री का भी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। आज ये तिथि भी है गाइस, तो हमने बता दिया। और किस विषय में आगे भी हमको बात करना है आप लोगों से गाइस, इसीलिए आज हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि कल कहते नहीं है चंद्र ग्रहण है गाइस। तो आप लोगों से बताना चाहते हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भारत में नहीं है, लेकिन है भारत में। कै बजे तक है, तो आप लोगों से बता दें कि भारत में है। दो टाइम निश्चित हैं, 2:27 पे भारत में लगना है, और एक टाइम है 3:32 का। अगर ज़्यादा मतलब 3:32 पे ज़्यादा है और 2:27 पे उस समय का कम है, उस समय का ग्रहण का कम प्रभाव है, और 6:27 का है, काफ़ी मतलब उस समय रहेगा प्रभाव ग्रहण का, और 7:28 पे कम रहेगा ग्रहण का प्रभाव, तो उस समय आप लोग नहा सकते हैं। तो इसमें किन किन चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए, किन किन चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए जिस समय गहन पड़ते हैं, और किसको किसको ज़्यादा मतलब इस गहन में जो गहन पड़ना है उसमें किन किन लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक है, तो आज हम आप लोगों से बताना चाहते हैं। जैसे कि अपने बच्चे हैं, जो हमारी बहनें हैं गर्भ पेट में बच्चा है, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए काफ़ी हानिकारक है। तो आप लोगों को भी अपना खुद का भी ध्यान रखना है, और जैसे हमने बताया उन लोगों का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो कुछ बातें विशेष गाइस, आज हमारा सुबह से गला भारी भारी सा, पता नहीं क्यों है, जब कोई टेंशन ले लेते हैं तो ऐसे ही हो जाता है। तो विशेष हमको ध्यान देना है, जो गर्भवती हमारी महिलाएं हैं उनको क्या ध्यान देना है, उनको बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, और ना तो कोई सामान को टच करना है, जैसे सामान में जैसे चक्कू है, कोई फल है, कुछ भी ना आप काट सकते हो, ना खा सकते हो, ना पानी पी सकते हो, पानी भी नहीं पी सकते हो एक रूम में इस समय। तो वैसे भी बाहर कोई नहीं निकल रहा है, इस कोरोना में तो इतनी परेशानियां बढ़ रही गाइस, तो बाहर निकलने की तो वैसे भी इच्छा नहीं होती, लेकिन टाइम भी है कि 2:30 से 1:30 आपको एकत्रित आराम से अपनी ऐसा स्थान आप लोगों को ढूँढ लेना कि उस स्थान से हमको बाहर नहीं निकलना है, खा पी करके आराम से रूम में बैठ जाना है। और सुबह का तो नहाना वैसे हो ही जाएगा, कहते हैं गहन लगने से पहले नहाना चाहिए, गहन ख़त्म होने से बाद में भी नहाना चाहिए जब चंद्र ग्रहण ख़त्म हो। ये सूर्य ग्रहण नहीं गाइस, चंद्र ग्रहण है। तो वैसे भी सुबह से आप लोगों का नहाना हो ही जाएगा, सुबह से जल्दी खाना पीना खा करके जैसे भी 12:30-1 बजे खाना आप इतना बनाइए कि आपका खाना बचे ना, कोई भी खाना बचना नहीं चाहिए। और खाना खाने के बाद आप आराम से ही, जो गर्भवती महिलाएं हैं, आराम से अपना खा पी करके और रूम में आप आ जाइए। और आप लोगों को तो बहुत ही ध्यान देने के लायक, और एक दिन पहले, जैसे आज ही हम वीडियो इसीलिए शूट कर रहे हैं कि आज ही आपको आपके घर में अगर गेरू नहीं है तो गेरू आपको मंगवा करके रख लेना है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ज़्यादा ही खतरे हैं। तो आप शाम से ही गेरू लगा सकती हैं, और कल नहाने के बाद 12:30 बजे के बाद आपको पेट में तुरंत गेरू के मतलब कई चरण ऐसे ही मतलब गोल गोल ऐसे ठप्पे बना लेना है। तो गाइज आप लोगों से मतलब यही है कि गर्भवती महिलाएँ कुछ भी काम नहीं कर सकती, ना तो कंघी कर सकती हैं,
और खाने पीने के लिए तो हमने बता ही दिया कि नहीं खाना है ना ही पानी पीना है, कई बार हमने इस बात को बता दिया। और मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं करना है। और गाइस बताएं, जो भी सामान, जैसे आपने खाना बनाया तो खाना तो खा लिया, जो बचा उसको आप कुत्ता बिल्ली को डाल दीजिए। जो भी कुछ ऐसा सामान है आपके किचन में कि जो आप उसको नहीं हटा सकते हैं, वो भी खाने की ही चीज़ें हैं, जैसे कि फल हुआ, पीने वाला पानी हुआ, पीने वाला पानी भी वैसे आप हटा सकते हैं फिर से दोबारा, अच्छा पानी 7-8 बजे आप रख सकते हैं उसमें, जिसमें फिल्टर वगैरह में जिसमें भी आप रखते हैं। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनके लिए हमको क्या करना है, जो फेंकने लायक नहीं है और नहीं ख़त्म कर सकते हैं तुरंत हम 4-5 घंटे में। तो गाइस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे गाय का गोबर है, तो इस समय आप लोग बाहर नहीं निकल रहे हो, गाय का गोबर भी नहीं आ रहा है, गाय की कंडी भी नहीं हो सकता है, मिल सकती है, कहाँ बाहर निकलोगे तो कहाँ से लाओगे। तो गाइस तुलसी मतलब अपने घर में, हर घर में तुलसी का पौधा तो ज़रूर होगा, तो आप तुलसी के पौधे की ही पत्तियाँ निकाल करके रख लीजिए। आज तो ऐसे मंगलवार है, मंगलवार को नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन कल सुबह हमको ये काम करना है। तो तुलसी की पत्ती जहाँ जहाँ, जैसे फ्रिज है, फ्रिज में कोई आपका सामान, फल रखा है, दूध रखा है, दही रखा है, ज़्यादा मात्रा में है, आप उसको नहीं हटा सकते हैं ना ही खा सकते हैं, तो हर जगह आपको तुलसी की पत्ती रखना है। और पानी भी अगर आप नहीं हटा सकते हो, पानी की कुछ भी प्रॉब्लम है, दोबारा पानी आपको शाम को जल्दी नहीं मिल सकता है, कई घरों में गाइस होता है कि जैसे टाइम टेबल होता है कि इस समय पानी आ रहा है, इस समय नहीं आ रहा, तो कुछ चीज़ें हम ऐसी आप लोगों को बता दें, उस जगह भी आप तुलसी की पत्ती रख सकते हैं। और भगवान जी का जो कपाट है उसको भी आप पर्दा बंद कर सकते हैं, अगर दरवाज़ा है तो दरवाज़ा आप थोड़ा मतलब ढक दीजिए, भगवान जी को भी नहीं देखना चाहिए उस समय, जहाँ भी आप घर में स्थान में भगवान जी का स्थान मतलब भगवान जी का मंदिर बना के रखे हैं वहाँ के भी आप लोगों को दर्शन नहीं करना जब तक गहन पड़ेगा। इसके बाद आप लोग भी आराम से, जैसे आपने अपने बड़ों को भी आराम से रूम में कर दिया, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी आराम दे दिया, अपने बच्चों के लिए भी कर दिया। अब जो जैसे हम लोग जैसे हैं कि हम लोग खुला हैं, तो हम लोगों को भी अपना ध्यान देना है। वैसे तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उस समय भी उनको सोना भी वर्जित है, सोना लेटना बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने जिस भी इष्ट देव, जिस भी भगवान को आप मानते हो, मन ही मन उनका जप करिए जितना हो सके। और हम लोगों जैसे हम लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा है, तो अपने गुरु जी के मंत्र 108 मंत्र हमको जपना है, वो भी माला लेकर के नहीं जपना, ऐसे ही मन में जपना है। तो विशेष कुछ ऐसी विशेष बातें हैं, जिस समय ग्रहण हमारे यहाँ पड़ता है उस समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। तो गाइज ऐसे ही आप लोगों को ध्यान देना है, विशेषतर ज़्यादा से ज़्यादा जप तप करिए, क्योंकि इस समय आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे हर जगह किस तरह की स्थिति हो रही है, किस तरह मतलब इस कोरोना ने हर जगह हलकंप मचा रखा है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे हम लोग चिड़ियों की तरह एकदम से घर में कैद हो गए, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और किस तरह की परेशानियां हैं। तो इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए हम लोग भी तपस्या, अगर हम औरत भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम अपनी बहनों से ही कहना चाहते हैं कि आप लोग गाइस कुछ इन हर एक चीज़ों को त्याग करके आप लोगों को भी बहुत बड़ी तपस्या, क्योंकि भारत का ये पहला चंद्र ग्रहण है, साल का जो चंद्र ग्रहण है, तो पहला चंद्र ग्रहण है, इसमें आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। और हो सकता है हम लोग इतना जब तब सब लोग कर लें, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग हैं, तो हो सकता है जो भी ये इतना बीमारी कह रहे हैं दूसरा चरण, तीसरा चरण है, अभी कितने सारे चरण बाकी हैं, तो हो सकता है ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, इसमें ही माता रानी खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं भोले बाबा, और कुछ हमारे इस जैसे ही मतलब इतनी सारी परेशानियां हैं, वो परेशानियां दूर भी हो सकती हैं। तो हमको सबको मिलजुल करके ये कार्य को करना है। चंद्र ग्रहण में आप लोग अगर खाना खा लिए हैं, तो खाना खाने के बाद भी आप लोगों को नहा करके ही बैठना है। अगर आप लोग जप के लिए बैठ रहे हो, तो आप लोग नहा करके, क्योंकि खाना सुबह तो खाए रहेंगे, खाना खाने के बाद आप कपड़े, आप पूरी तरह जूठे हो गए, जूठे कपड़े अगर पहन करके
गाइस होता है, अगर आपने खाना खा लिया तो हकीकत में हम कहेंगे कि हमारे जूठे कपड़े हो गए, जो हमारे गुरुजी बताते हैं। तो आप कपड़ों को भी मतलब नहाने के बाद आप अच्छे स्वस्थ साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके आप आराम से बैठिए, एक आसन आसन बिछा लीजिए, आसन में बैठ करके ऐसे जप करना जैसे पहले के लोग ऋषि लोग करते थे, ऐसे आपको एकदम से सीधे होकर के ऐसे जप करने के लिए बैठना है। गर्भवती महिलाएँ आराम से टेक ले करके बैठ सकते, लेटना उनको बिल्कुल वर्जित है, लेट भी नहीं सकती हैं। बच्चे हैं, बच्चे और जो हमारे बड़े हैं और बच्चे हैं, उनको तो बहुत ही मतलब हम लोगों को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही तरह होते हैं। जैसे बच्चे दौड़ भाग करते हैं ना, वैसे जो अपने बड़े घर के बुजुर्ग होते हैं ना, उनका भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, उनको भी बहुत दौड़ भाग करते हैं। तो गाइस उनके लिए है कि आप बाहर ना निकलने दीजिए, इतने में हमारे घर में तो खैर ऊपर नीचे अंदर ही करते रहेंगे, बाहर निकल बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए भी है कि उनके लिए गेट लॉक करके रखिएगा, बाहर ना निकल पाएं। और जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म होगा वैसे आप लोगों को नहाना है, नहाने के बाद अपने भगवान के पर्दा है दरवाज़ा है खोलना है। इसके बाद अगर आप बेलपत्र फूल मिल जाए तो भोले बाबा की विधिवत पूजा करना। इस बार भोले बाबा को मनाना है, माता जी को तो हमने मना लिया, लेकिन इस चंद्र ग्रहण में भोले बाबा को ही मना, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण नहीं है। सूर्य ग्रहण में तो आप कोई भी भगवान को, ऐसे भी कहते एक भगवान को मानना चाहिए। अब हमको तो ये नहीं पता कि आप लोग कौन से भगवान को मानते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ माता जी को अपने मानते हैं और अपने गुरु जी को, पहले तो गुरु जी को फिर बाद में माता जी को। लेकिन इस बार के चंद्र ग्रहण में है कि सिर्फ शिव जी की पूजा करना, शिव जी को मनाना है। तो हम लोग शिव जी को मना लेंगे तो माता जी ऑटोमेटिक ही हमारी प्रसन्न हो जाएंगी। तो गाइस कुछ बातें बहुत ही विशेष आप लोगों से, वैसे तो हमको ज़्यादा कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो हमसे आप लोगों से बात करने में, तो गाइस ये मत कहिएगा कि हम क्या कैसे बोल गए हैं, ज़्यादा हमारी बातों का उस तरह ध्यान मत दीजिएगा। और अपनी जानकारी में जो भी बातें हैं हम पूरी बातें आप लोगों से बता दी हैं कि चंद्र ग्रहण में आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे क्या रहना है। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो का एंड भी कर रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। गाइस कल है चंद्र ग्रहण, आज नहीं है, आज हमारी वीडियो ये वही 3 बज के या 3 बजे से पहले ही पहुंच जाए आप लोगों तक, लेकिन कल है, कल आपको इसीलिए बता रहे हैं कि कल आपको सुबह से हर एक चीज़ों का बहुत ध्यान देना है और पूरी तरह तपस्या करना है, और जो भी ये महामारी बीमारी है कलयुग की, इसको दूर भगाना है, और हम सब लोग मिलजुल करके इसकी तपस्या करेंगे तो कैसे बीमारी दूर नहीं जा सकती। गाइस देखिए हम लोगों के बच्चों का भविष्य कितना बर्बाद हो रहा है, हम लोगों की तो जाने दीजिए, लेकिन हमारे बच्चे किस तरह अंदर घुट रहे हैं, और सब एकदम से अब क्या कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो गाइस हो सकता है काफ़ी लंबा ब्लॉक हो जाए, जब बैठ करके बातें करने लगते हैं ना तो आप लोगों से बहुत ही अच्छा लगता है, और ऐसे ही प्यारे प्यारे आप हमारे लिए कमेंट डालते रहिए और ऐसे ही स्नेह प्यार देते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।